क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार में बजट सत्र की 7वीं बैठक आज विधानसभा में। लालू पर हुई सियासत, राजद विधायक ने कहा बिना परमिशन छापों पर लगे रोक। बाढ़ में नीतीश के एनडीए में हो सकती है वापसी, प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। नालंदा में डीएपी ने की पीसी, देशी पिस्टल एक जिंदा कारतूस बरामद, पुलिस ने 2 अपराधी भी किए गिरफ्तार। मसौढ़ी में संदिग्ध अवस्था में मिला छात्र का शव, जांच में जुटे पुलिस। नालंदा में विश्व हिंदू परिषद ने प्रस्तावित की बैठक, रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर हुई बैठक। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं बिहार की इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां विधानसभा सत्र के दौरान लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला जमकर उछाला गया। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने सुशील मोदी द्वारा लिखी पुस्तक को सदन वो लेकर पहुंचे। उन्होंने लालू परिवार के समर्थकों को लालू लीला किताब पढ़ने की नसीहत तक दे दी। इसके साथ ही कहा कि किताब में लालू के घोटालों की पूरी गाथा लिखी हुई है। प्रमोद कुमार ने यह भी कहा कि यह किताब 2019 में छपी थी, इस पुस्तक को कोई भी खरीद के पढ़ सकता है। तो प्रमोद कुमार सुशील मोदी की लिखी हुई पुस्तक सदन लेकर पहुंचे, जिसके बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान विधानसभा सत्र में पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने बोला कि इस पुस्तक को कोई भी खरीद के पढ़ सकता है, क्योंकि यह पुस्तक 2019 में छपी हुई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बिहार के विधानसभा सत्र में भी जमकर हंगामा देखने को मिला लालू लीला पुस्तक को लेकर। विवेक बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से बिहार के अंदर और बिहार के बाहर जिस तरीके से सीबीआई ईडी जांच कर रही है, उसे लेकर विपक्ष लगातार इन सरकार को घेरने पर लगी हुई है। बीजेपी एक तरफ आरजेडी कहती है कि बीजेपी का सारा गाथा हुआ चीज है जो ईडी और सीबीआई हमारे पीछे लगा दिया है। वही बीजेपी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जब अपने शासन काल में इन्होंने जमीन के नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया करते थे, यानी कि जिस तरीके से जो सीबीआई भी जो आरोप लगा रही है और ईडी भी जो आरोप लगा रही है कि लैंड फॉर जॉब मामले जो नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिए करते थे, उसी मामले में इनकी जांच की जा रही है। आज विधानसभा सत्र का 7वां दिन था, होली और सबे बरात के बाद विधानसभा सत्र का पहले दिन था। उस दिन सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम रहा करते थे, उस समय उन्होंने इस बुक को लिखा था लालू लीला, जिसमें लालू प्रसाद यादव के सारे शासन कालों को गिनाया है कि लालू प्रसाद अपने शासन काल में रहते क्या किए क्या नहीं किए और अभी लालू प्रसाद की क्या कर रहे हैं। लालू प्रसाद अपने जो सारे जो वंशज थे अपने पुत्रों को सौंप दिए है, जो पुत्र उनकी जो नौमी फेल है, इस तरीके का आरोप लगा रहे थे। जी विवेक, 2024 की डगर आसान नहीं होगी, ऐसे में जो सभी पार्टियां हैं वो तमाम कोशिश कर रही हैं, तो प्रमोद कुमार इस पुस्तक के जरिए और विधानसभा में हुए हंगामे के जरिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार है,